जयकारा शेर वाली दा बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। माता वैष्णो देवी से जुड़ी किसी भी जानकारी को पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें आरआर एक्सट्रीम और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। जय माता दी। एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं, तो कृपया वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप नवरात्रि में घर बैठे संपूर्ण यात्रा और साथ ही साथ कश्मीर के खूबसूरत वादियों और बाबा केदारनाथ यात्रा को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि बहुत जल्द आपको ये दोनों ब्लॉग हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। और साथ ही कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि कश्मीर में कौन सा जगह आप देखना ज़्यादा पसंद करोगे। बढ़ते वीडियो में आगे और बात करते हैं माता वैष्णो देवी यात्रा में आने वाली दिक्कतों के बारे में। तो देखिए, इस समय कटरा और भवन पे लगातार हो रहे मौसम में बदलाव के कारण श्रद्धालुओं को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि कटरा का मौसम कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता। और इस वक्त लगातार प्रतिदिन हो रहे बारिश के कारण माता वैष्णो देवी की यात्रा पर गए हुए भक्तों को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त कपड़े और रेनकोट नहीं होने के कारण बारिश और ठंड को झेलना पड़ रहा है। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग और त्रिकुट पर्वत बादलों से घिरा हुआ है, जिससे उन श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जो हवाई मार्ग द्वारा इस यात्रा को पूरा करना चाहते हैं। पिछले दिनों चौपर सेवा बंद होने के कारण काफ़ी भक्तों को पैदल, घोड़ा, पिट्ठू और पालकी के सहारे यात्रा पूरा करना पड़ा। वहीं बात करें कोरोना टेस्ट की, तो अगर आप वैक्सीनेट हो चुके हैं और आपके पास दोनों डोज का सर्टिफिकेट है तो आप आराम से इस यात्रा पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में ये सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपको कोविड का निगेटिव रिपोर्ट, वो भी 48 घंटे के पहले तक का, लेकर जाना होगा। इससे आपको एक फ़ायदा होगा कि आपको लंबी लाइन में नहीं लगनी होगी, जिससे आपके समय की बचत होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त माता के भक्तों की भीड़ पहले से के मुकाबले काफ़ी बढ़ी हुई है और ये आने वाले दिनों यानी नवरात्रि में और बढ़ेंगे। तो अगर आप भी इस पावन यात्रा पर आने वाले हो तो अपने साथ गर्म कपड़े और कोविड का सर्टिफिकेट या फिर निगेटिव रिपोर्ट लाना ना भूलें। इसके साथ ही नवरात्र महोत्सव को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। इस नवरात्र में हर साल के भांति कटरा में भी झांकी निकाली जाएगी। हालांकि पिछले साल कोरोना महामारी के कारण ये कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था, लेकिन इस वर्ष फिर से माता के सुंदर झांकी आप सभी भक्तों को 7 अक्टूबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से देखने को मिलेगी। इसका आनंद आप मेरे चैनल पर ले सकते हैं, क्योंकि मेरा संपूर्ण यात्रा 7 अक्टूबर के भवन से लाइव होने वाला है। तो अगर आप इस पावन यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इसके साथ ही आपको कश्मीर और बाबा केदारनाथ की यात्रा भी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कराने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग हमें जरूर दीजिएगा। जय माता दी।